बीना, 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 बीना क्या हो गया? बीना, बीना मेरी बच्ची, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? बीना, बीना आगे कॉल, बीना, आगे कॉल दे मेरी बच्ची, आमिर, अरे राणा साहब, जल्दी आइए देखिए मेरी बच्ची को क्या हो गया है? क्या हो गया मेरी बच्ची को? अबू मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगा साहब को फोन कर लेता हूँ। आमिर, 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 वो बीना। क्या हुआ आप ही को? बीना कमरे में बेहोश पड़ी है। कहीं उसने गोलियां तो निकाली? कहीं वो? ना ना करे, मैं देखता हूँ, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। राणा साहब, मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? आप डॉक्टर को फोन करें, डॉक्टर को फोन करें। ये पहले देखे तो दोस्त को। एक मिनट के लिए भी इस बच्चे को नहीं संभालती है, मैं हद हो गई इस लड़की से। और मैं तो परेशान आ गया हूँ यार, हम लोग आपस में ही लड़ने में लगे हुए। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बड़े आराम से बैठे हैं दोनों, इन्हें पता नहीं है अभी तूफान आने वाला है। हसन, तुम यहाँ बैठे हो कब से? तुम्हारा फोन बज रहा है। तुमने मेड की बात की थी, क्या हुआ उसका? हाँ, आ जाएगी जल्दी। सुनो लड़की, इस बच्चे को संभालो, लो। हसन, तुम ले लो ना थोड़ी देर के लिए। क्या, दो औरतों के होते हुए मैं संभालूंगा इस बच्चे को? तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं नहीं संभाल रहा। चलो ईमन, तुम इस बच्चे को संभाल लो, ये लो। अभी आने वाली है बच्चा संभालने वाली। आपी, 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 बीना बेटी, वो मुझे तलाक नहीं दे सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ आपी, आपी होश में आए? हसन मुझे तलाक नहीं दे सकता, मुझे हसन के पास जाना है, मुझे हसन के पास जाना है, हसन, हसन के पास जाना है। बीना, बीना बेटी, बीना, हसन, 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 आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं हसन? क्या हो गया, क्या किया मैंने? आप इनके कहने पे मुझे तलाक दे रहे हैं? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है क्या? बकवास कर रही हो ये? मैंने कब कहा है? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया हसन, और आप मुझे तलाक देके मुझे बर्बाद कर देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हसन। बीना, तुम आओ ना यहाँ पे, आराम से बैठ जाओ। हसन, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मुझे तो बीना, आओ आओ, तुम आराम से बैठो यहाँ पे। ए बीबी, तुम कौन हो जो मियाँ बीबी के बीच में बोल रही हो? हैं? ये एमन है और इसे इन दोनों के बीच में बोलने का हक है।
खामोश खड़े और ये बीच में उछल रही है। क्या रिश्ता है इसका हसन से? क्या हक है इसका बीच में बोलने का? बोलो। क्योंकि ये हसन की बीवी है। मिसेस एमन हसन आगा। सच है ये। तुमको मेरी बहन के साथ ठीक देखिए, मैं तुझे जान से मार दूँ, जान से मार दूंगा मैं तुझे। अमित छोड़ो उसे। आप ही आप हट जाइए, इसने आपके साथ ठीक नहीं किया। इस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं इसे। अमित छोड़ो उसे। अमित, 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 मेरे कहा छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा। अमित छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा। अमित मैंने कहा छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। अमित तुम दोनों यहाँ खड़ी तमाशा क्या कर? निकलो यहाँ से, जाओ। चल मेरी बच्ची। Get lost, get lost। तुम लोगों ने जो मेरी नेक और मासूम बच्चे के साथ किया है ना, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को, अल्लाह पूछेगा। और हसन, तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। ये एक माँ की बदुआ है। नहीं अम्मी, माँ की बदुआ है ये। नहीं, बदुआ मत दे अम्मी, बस कर दो ये ड्रामेबाजी, अपने घर पे जाके कर, जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार मार के निकालूंगी।
कौन झूठे? सारी स्त्री खराब कर दी शर्ट की। देखो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? नहीं नहीं, इनके लगेंगे क्या हाथ? जंगली लड़की। उनको पता चल गया कि हसन ने दूसरी शादी कर ली। ओह गॉड मॉम, अब मेरा क्या होगा? आमिर, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अरे ये एक थप्पड़ से क्या होगा? इसके घर वालों ने जितने तमाचे हमारे मुंह पे मारे हैं ना, ये एक थप्पड़ से कुछ नहीं होने वाला। इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा ही तो कसूर है कि तू उन लोगों के साथ मिली हुई थी। अब तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। अरे हमने तुझे इस घर में इसलिए बर्दाश्त किया, इसलिए रखा हुआ था कि हमारी बेटी आबाद रहे। हमें तो पता ही नहीं चला हमारी बेटी कब की बर्बाद हो गई। निकल इस घर से, चल निकल यहाँ से, निकल। प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? निकल निकल, दफा हो, चल निकल, चल चल निकल यहां से। आमिर, अमीना बेगम, इसे रहने दो, रहने दो इसे। अरे कैसे रहने दो इसे? अब इस घर में इसका कोई काम नहीं है। चल दफा हो, निकल निकल। आमिर, अमीना निकल, दफा हो यहां से, निकल निकल। ये सब गलत हो रहा है आमिर, इसमें मरियम का कोई कसूर नहीं है। उसके घर वालों को तो पता भी नहीं था कि हसन ऐसा करेगा। जाओ आमिर, रोक लो उसे, जाओ आमिर। मैंने मना किया था मरियम को, जाओ आमिर। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं कैसे नहीं जाएगी, देखती हूँ। क्या सोच रहे हो आमिर? जाओ रोक लो मरियम को, रोक लो अम्मी को ऐसा करने से। आमिर, अगर इस बार वो चली गई ना, तो उसके घर वाले कभी उसको वापस नहीं आने देंगे। तुम हमेशा के लिए उसको खो दोगे आमिर। जाओ आमिर, जाओ। अरे कैसे छोड़ दूँ? अब इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी, कर लो फैसला तुम लोग। फैसला हो गया, ये इस घर में नहीं रहेगी। चल अम्मी, अम्मी बात तो सुने। अम्मी तहमीना, ना करे ऐसा। अम्मी आंटी, खुदा के लिए मत करे ऐसा, प्लीज। अम्मी तहमीना, मरियम, चल। अम्मी।